नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज मेरे पास है आईकू की तरफ से न्यूली लॉन्च आईकू Z9 लाइट। ये फोन 10,000 में 5G के साथ शानदार कैमरा, बेहतरीन डिजाइन और अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा है। वेल, इस फोन को मैं पिछले 7 दिनों से लगातार यूज कर रहा हूँ, तो आज इस वीडियो में मेरा यूज एक्सपीरियंस के साथ इस फोन की पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में क्लियर करके बताऊंगा। अगर आप 10,000 में एक अच्छा 5G फोन खरीदना चाहते हो तो थोड़ा टाइम देकर वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। वेल, इतने दिनों से इस फोन को यूज करने के बाद जो चीज मुझे सबसे अच्छा लगा है इस फोन में, वो है इसकी बैटरी। और इसका बैटरी बैकअप सचमुच कमाल की निकल कर आया है। मैंने एक्सट्रीम में इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था और यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हो। 7 आवर्स 55 मिनट का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप मिला है। यार, मैंने बहुत सारी 5000 mAh बैटरी फोन को यूज कर चुका हूँ, इतना अच्छा बैटरी बैकअप कोई भी फोन में मुझे नहीं मिला है। वेल, अगर आप फोन को थोड़ा हेवी में यूज करते हो तो सिंगल चार्ज में आप सारे दिन का बैटरी बैकअप ले सकते हो। बाकी फोन चार्ज होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि फोन के साथ इनबॉक्स आता है 15 वाट की एडेप्टर और फुल चार्ज होने के लिए मेरे टेस्ट में 2 आवर्स 20 मिनट का टाइम ले आए। अगर इसके साथ इनबॉक्स 33 वाट की एडेप्टर आता तो और भी अच्छा होता। वेल, इसका बैटरी बैकअप जैसे लाजवाब है, इसका परफॉर्मेंस भी भाई ऐसे ही लाजवाब है। इसमें डायमेंसिटी 6300 चिपसेट और मेरे टेस्ट में अंतुतु स्कोर निकल कर आया है 4 लाख प्लस। ये फोन डे टू डे यूज में कैसे परफॉर्मेंस निकल कर देता है, ये टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने इसकी स्टोरेज को 70% से भी ज्यादा भर चुका हूँ। देन इसकी ऐप ओपनिंग मैंने टेस्ट किया, आप यहाँ पर देख सकते हो ऐप जो है तुरंत तुरंत ओपन कर रहा है, क्योंकि आपका फोन पुराना होगा, आपका स्टोरेज भर जाएगा, इसका परफॉर्मेंस में ड्रॉप नहीं आने वाला है। वेल, बहुत सारे दोस्त इसमें BGMI गेम खेलना चाहता है, तो BGMI गेम को मैंने टेस्ट किया, 40fps में चलता है, जायरो भी स्मूथ है। 40fps के हिसाब से इसमें गेम प्ले तो मुझे बढ़िया मिला है, लॉन्ग टाइम गेमिंग के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एडिटिंग का इशू भी नहीं है। वेल, अगर आप इस फोन से वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो काइनमास्टर एप्लीकेशन के जरिए आप 2K में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस मुझे प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगा है। मेरे पास इसका 6GB 128GB वेरिएंट है जो आता है LPDDR4X RAM के साथ, लेकिन इसका स्टोरेज टाइप देख लो, eMMC 5.1 की स्टोरेज टाइप है। इसमें एटलस UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देना चाहिए था, तो यहाँ पर आईकू वालों ने बहुत स्मार्ट तरीके से कॉस्ट कटिंग किया है, ये चीज आपको याद में रखना होगा। बाकी इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो नॉच है। यार, इस प्राइस सेगमेंट में जो सारी फोन लॉन्च होता है लगभग सारे फोन में पंचोल है, तो इस फोन में पंचोल देना चाहिए था। और इसका रेजुलेशन HD+ भी मिलता है, यहाँ पर फुल HD रेजुलेशन देना चाहिए था। डिस्प्ले का साइज तो बड़ा रखा है, IPS पैनल है। YouTube पर आप 2K में 60fps में वीडियो देख सकते हो, 2K वीडियो अटकता नहीं है, काला रेकोडेशन यहाँ पर बढ़िया आ रहा है। इस फोन के साथ Redmi का लेटेस्ट 5G फोन Redmi 13 5G का डिस्प्ले को कंपेयर किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें रेजुलेशन कम है, इसलिए यहाँ पर वीडियो का जो डिटेलिंग है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मेरी तरह ज्यादा मूवी और वीडियो देखने का शौकीन रखते हो तो इसका डिस्प्ले जो है ऐसे कुछ आउटपुट निकल कर देता है। बाकी इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, हर ऐप में 90 हर्ट्ज जो है अच्छे से काम भी करता है, और इसका पीक ब्राइटनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आप डायरेक्ट सनलाइट में इस फोन को आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन फोन में है सिंगल स्पीकर, साउंड सिंगल स्पीकर के हिसाब से बढ़िया आता है, लेकिन फुल वॉल्यूम में इसका बैक पैनल वाइब्रेट करता है और इसका साउंड फट जाता है। तो मेरा रिकमेंड रहेगा आप 70% वॉल्यूम में इस फोन में म्यूजिक और ऑडियो सुनना, जो अच्छा आउटपुट निकाल कर देता है। एक ट्रूली 5G फोन है, इसमें एडवांस 5G मिल जाता है, और मेरे एरिया के हिसाब से 5G का स्पीड जो है मुझे ठीक ठाक लगा है। इसमें वीवो की डायलर है, आप चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इसमें है सिंगल माइक, जब आप नॉइस एरिया में रहोगे इसका माइक जो है बहुत स्ट्रगल करता है, तो इस फोन में एटलस डुअल माइक देना चाहिए था। 3.5mm ऑडियो जैक है और इसी से आउटपुट भी बढ़िया निकल कर आता है, और इसमें FM रेडियो भी है। अब इस फोन में SD कार्ड को यूज कर सकते हो, अप टू 1TB SD कार्ड को सपोर्ट करता है फोन। लेटेस्ट Android 14 में रन हो रहा है, फंटाजो इस 14 भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्री इंस्टॉल ऐप आता है। बजट फोन के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज नॉर्मल है, इसको आपको मैनुअली अनइंस्टॉल करना होगा, उसी के साथ हॉट एप्स और हॉट गेम्स भी आता है, इसको भी आपको डिसेबल करना होगा। लेकिन इसमें अच्छा अच्छा फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि ऐप को क्लोन कर सकते हो आप, एम्बलिंग लाइट इफेक्ट्स है, स्प्लिट स्क्रीन भी है, स्मार्ट साइड बार है, स्मॉल विंडोज का फीचर्स भी है। इस फोन का जो डिजाइन है ना वो आपको पसंद आएगा, क्योंकि पीछे से फोन देखने में बहुत सुंदर लगता है, ग्लॉसी लुक्स के साथ आता है, लेकिन पॉलीकार्बोनेट का बैक है। बाकी इसका फ्रेम भी पतला है, फोन का वेट भी इतना ज्यादा नहीं है। ये फोन मेरे हाथ से एक बार गिर गया था और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके फ्रेम में डेंट आ गया है। तो आप गलती से इस फोन को विदाउट TPU केस में यूज मत करना। ऐसे भी इसका इन एंड फील्ड भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और एक फोन बहुत ही सस्ते में IP
64 रेटिंग लेकर आता है। ये फोन वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन बारिश का बूंद को ये फोन आराम से सह लेगा। बाकी इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसका स्पीड मुझे बढ़िया लगा है। उसी के साथ इसका डिस्प्ले का बेजल और चेन देख लो, मोटा रखा है, ये थोड़ा पतली हो सकता था। वेल, अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। बजट में फोन 5G के साथ कितना अच्छा कैमरा ऑफर कर रहा है, चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस सेंसर है पीछे में, बाकी सामने है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अच्छी बात है इसकी सेल्फी और बैक से आप फुल HD 30 fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, और वीडियो क्वालिटी मुझे डिसेंट सा लगा है। लेकिन फोटोग्राफी के मामले में ये फोन मुझे मस्त लगा है। आप पहला कलर कॉन्ट्रास्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप पेड़ पौधा का कलर, स्किन टोन का कलर देखो यार, बहुत अच्छे से फोन मैनेज कर रहा है। उसी के साथ बैक कैमरा में डिटेलिंग बहुत अच्छा आता है, सार फोटो क्लिक करता है। सेल्फी और बैक कैमरा से जब आप फोटो क्लिक करोगे, डायनामिक रेंज को ये फोन बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। सेल्फी कैमरा में डिटेलिंग थोड़ा सा कम आता है, लेकिन जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करोगे, SD डेक्सान को अच्छे से मैनेज कर लेता है, बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा आता है। लेकिन एक चीज जो है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इसकी कैमरा में, वो है लाइट मैनेजमेंट। देखो यार, एक फोन जो है थोड़ा डार्क में फोटो को क्लिक करता है, कुछ फोटो सैंपल देखकर आपको आइडिया लग गया है। तो चलिए अब फाइनल कंक्लूशन की बात करते हैं, इस IQ Z9 Lite को आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। भाई अगर आप इसकी बेस वेरिएंट खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो मेरा रिकमेंड रहेगा आप 6GB 128GB वेरिएंट को खरीदना 1000 rupees ज्यादा देकर, और उसमें आपको जो परफॉर्मेंस बेहतरीन मिलेगा। वेल, हर फोन की तरह इस फोन में भी थोड़ा बहुत कमियां है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पहला जो कमी इस फोन में मुझे मिला है, इसके डिस्प्ले में नॉच है, बेजल चेन बढ़ा रखा है, और डिस्प्ले का रेजोल्यूशन HD+ है। इवन इसमें सिंगल माइक है जो नॉइस को इतने अच्छी तरीके से कैंसलिंग नहीं कर पाता है। और लास्ट जो चीज मुझे इस फोन में बेकार लगा है, वो है eMMC 5.1 की स्टोरेज टाइप। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो ये जो फोन है ना, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, आप आंख बंद करके इसको खरीद सकते हो। वेल, ये तो था IQ Z9 Lite का क्लियर रिव्यू। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए।